नमस्कार, मैं अर्चना पटारे मौसम दर्पण में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं किस राज्य में कैसा रहेगा मौसम। इस साल मानसून को लेकर IMD अलर्ट ने बड़ी खबर दी है। मानसून के 16 मई तक अंडमान और निकोबार पहुंचने के बाद 17 मई को पहली बार मानसून की बारिश हो सकती है। इसके अलावा मानसून 26 मई तक केरल पहुँच जाएगा। केरल में मानसून की शुरुआत के कारण देश के कई राज्यों में एक साथ जलवायु परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप ग्रुप में 5 दिन बाद मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। आंधी तूफान का भी अनुमान है। केरल में 1 जून से मानसून की शुरुआत होगी। केरल में लगातार बारिश के कारण 1 जून से बादल छाए रहेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी 18 मई तक हल्की बारिश होने की संभावना है। इस द्वीप समूह में 14 से 16 मई तक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 7 राज्यों में लू की चेतावनी दी गई है। राजधानी दिल्ली के अलावा हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और राजस्थान में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, जबकि बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है। दक्षिणी राज्यों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। गरज और बिजली गिरने की भी संभावना है। मानसून 2022 की बात करें तो केरल में मानसून आमतौर पर 1 जून को पहुंच जाता है। इस हफ्ते 10 दिन में मुंबई पहुंचेगा मानसून। दिल्ली NCR में उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में लू चलने की संभावना है। पश्चिमी मानसून के चलते केरल में 25 मई तक बारिश होने की संभावना है। हालांकि राज्य के पूर्वी हिस्से में असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में बारिश हो रही है। लगातार बारिश हो रही है। तापमान गिरते ही माहौल खुशनुमा हो जाता है। मौसम विभाग ने कहा कि 22 मई तक 17 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी की गई थी, जबकि केवल 8 राज्यों में लू की चेतावनी दी गई थी। फिलहाल करीब आधे से ज़्यादा भारत भयानक गर्मी की चपेट में है। देश के कुछ राज्यों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इस बीच मौसम विभाग द्वारा जारी ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों में UP, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में मौसम के करवट लेने की उम्मीद है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पहाड़ी राज्यों से लेकर UP तक कई राज्यों में बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 16 और 17 मई को तेज हवाओं के साथ गरज बारिश और ओले गिरने की संभावना है। उत्तर पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 16 और 17 मई को हल्की बारिश की संभावना है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 16 मई को आंधी तूफान की संभावना है। वही उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में 14 और 15 मई को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। वही NCR दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से गर्मी का सितम जारी है। रविवार को दिल्ली का तापमान 49 डिग्री के पार पहुंच गया। उधर रविवार को भीषण गर्मी के कहर से दिल्ली NCR के लोग काफी बेहाल नजर आए। दिल्ली में गर्मी के कहर ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रविवार को दिल्ली में तापमान 49 डिग्री के पार पहुंच गया। गर्म और शुष्क पछुआ हवा से प्रभावित दिल्ली में लू का प्रकोप चरम पर पहुंच गया। गर्मी के सितम ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। दिल्ली में आज कई इलाकों में अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका है। निजी पूर्वानुमान एजेंसी क्लाइमेट के उपाध्यक्ष महेश पालावत जी ने कहा कि दिल्ली NCR में चलने वाली गर्म और शुष्क पछुआ हवाएं अधिकतम तापमान को और बढ़ाएंगी। भीषण लू के खतरे से लोगों को सावधान करने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वही महाराष्ट्र की बात करें तो हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने एक पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के लोगों को कम से कम 2 दिन और गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। इससे प्रदेश की जनता को कम से कम अभी के लिए उकड़ा का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में लू की चेतावनी दी है और जनता को इस पृष्ठभूमि में सतर्क रहने की चेतावनी दी है। वर्तमान में राज्य में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। विदर्भ को छोड़कर राज्य के सभी हिस्सों में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन भारतीय मौसम विभाग ने लू जारी रहने का अनुमान जताया है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 16 मई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। एक बार जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा तो राज्य में जलवायु नाटकीय रूप से बदल जाएगी और आसमान में बादल बनने लगेंगे। मौसम विभाग ने दावा किया है कि इससे 16 मई के बाद तापमान में तेज गिरावट आएगी। कहा जाता है कि 16 मई के बाद उकाड़ा से प्रदेश की जनता को निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। खबर में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ देखते रहे मौसम दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।